नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल शर्मा बस्टर टाइम आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने घर में अगर आपका फ़ैन रेगुलेटर ख़राब हो गया या फिर आप नया फ़ैन रेगुलेटर लगाना चाहते हैं अपने फ़ैन में, जिससे कि आप अपने सीलिंग फ़ैन की जो स्पीड है वो कम या ज़्यादा कर सकें, तो आप कैसे करेंगे। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सर्किट डायग्राम के बारे में, जिसको देख के आप एनालाइज़ कर सकते हैं कि एक्चुअल में वायरिंग के साथ हो क्या रहा है। यहाँ पर तीन चीज़ें हैं जो देखने के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर सबसे पहला दोस्तों, आप ये यहाँ पर मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ आपको, ये एक सर्किट डायग्राम है सिंपल फैन का। यहाँ पर आपके पास पावर सप्लाई है, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आपका लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर। दोनों वायर का आप अपने सीधे फैन के दोनों वायर से आप अटैच कर देते हैं तो आपका फ़ैन फुल स्पीड में चलता है, ठीक है। ये सबसे सिंपल डायग्राम है कि आपने कुछ नहीं करना, ना आपके पास स्विच है, जस्ट आपने अपना फ़ैन का तार लगाया अपनी पावर सप्लाई से और आपका फ़ैन चलना चालू हो गया। अब एक चीज़ होती है स्विच। स्विच जब आप लगा देते हैं तो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं फ़ैन को। जब आप स्विच को अप्लाई करेंगे इस सर्किट में, मैं यहाँ पर एक स्विच लगा देता हूँ इस सर्किट में, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्विच मैंने इस वायरिंग में लगा दिया है, ठीक है। अभी ये स्विच ऑफ है, जैसे कि ये इससे डिटैच है, बिल्कुल छू नहीं रहा है इसको, दैट मीन कि ये ऑफ है। ऑफ है दैट मीन कि अभी फ़ैन आपका चालू नहीं होगा क्योंकि सर्किट पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। जब तक ये सर्किट पूरा नहीं होगा तब तक फ़ैन चालू नहीं होगा। जब ये स्विच को हम ऑन करते हैं तो क्या होता है, ये जो पॉइंट है इससे टच हो जाता है, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम है, दैट्स वाई आपको इस तरह नज़र आ रहा है, मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा अभी। तो जब हमने ये स्विच को ऑन किया तो ये इससे टच हो जाता है और ये आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है और फैन यहाँ से चालू हो जाता है फुल स्पीड में। अभी तक यहाँ पर रेगुलेटर का कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेगुलेटर अटैच ही नहीं किया है, तो यहाँ पर अभी आपका फ़ैन जो भी चलेगा पूरी पावर सप्लाई के साथ चलेगा और फुल स्पीड में चलेगा। अब आप चाहते हैं कि आपका जो फ़ैन है वो रेगुलेट हो आपके हिसाब से कम या ज़्यादा स्पीड पर, जिस हिसाब से आप चला सकें। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है रेगुलेटर का एक सर्किट डायग्राम। इस तरह का रेगुलेटर का सर्किट स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूं कि आप जब कंपनी से रेगुलेटर लेके आते हैं तो वो किस तरीके का होता है, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें से भी दो वायर निकले हुए हैं और ऊपर की कोटिंग इसकी वाइट कलर की है, तो इसमें भी यहाँ पर आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 आपके पास पॉइंटर है, आपसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी का सर्किट डायग्राम जब आप देखते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें भी 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर आपके पास रेगुलेट करने के लिए पॉइंट्स हैं और इसमें से भी दो वायर निकले हुए हैं, एक ये और एक ये। जब आप इसको पूरा सर्किट में जोड़ देते हैं तो आप रेगुलेट कर पाते हैं। अब यहाँ पर समस्या आती है कि आपको ये नहीं पता लग पाता कि आप कौन सा तार किससे जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दो तार निकले हुए हैं, ठीक है। रेगुलेटर में भी दो तार निकले होते हैं, अभी मैं आपको सर्किट में बता रहा हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊँगा कि आप कैसे अटैच कर सकते हैं। तो ये अपना स्विच तो सही जगह लगा हुआ है, यहाँ से स्विच में ऑफ ऑन करूँगा मेरा फ़ैन रुक जाएगा या फिर चालू हो जाएगा। रेगुलेटर लगाने के लिए ये रेगुलेटर मैंने अब इससे अटैच कर दिया है सर्किट से। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो रेगुलेटर है, आप ये जो डॉट 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 लाइन देख रहे हैं ये रेगुलेटर है और ये इसके दो वायर थे। रेगुलेटर का एक वायर मैंने स्विच में लगाया और एक वायर जो मेरे पास फ़ैन से आ रहा था डायरेक्ट उसमें लगाया, तो मेरा जो सर्किट है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया है इस पाथ से और फैन यहाँ से रेगुलेट हो सकता है। फैन के अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो रेगुलेटर है वो रेगुलेट कैसे करता है आपके फ़ैन को, सबसे पहले यहाँ पर जानने के लिए ये बात ज़रूरी है। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स हैं और यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर रेजिस्टेंस की कुछ प्री डिफाइंड वैल्यू होती है, अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो कम करंट पास होगा, अगर कम रेजिस्टेंस होगा तो ज़्यादा करंट पास होगा। तो यहाँ पर भी वही मेथड है, अगर सपोज़ ये पॉइंटर 1 पर होता है, ये पॉइंटर जब 1 पर होता है तो आपका जो सर्किट है वो यहाँ से करंट जाके फिर ये ऐसे जाके फिर ऐसे जाएगा, दैट मीन कि यहाँ से आपके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ये भी है प्लस ये भी है, ये भी है, ये भी है, कि यहाँ पर आपका फ़ैन कम चलेगा। 2 पर आएगा तो आपके पास रेजिस्टेंस उससे कम हो जाता है, पहले से कम ये जो वैल्यू है वो हट जाती है, ये 3 रेजिस्टेंस रह जाते हैं, तो यानी कि 2 पर इससे तेज़ चलेगा। ऐसे जैसे जैसे ये रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, डायरेक्ट जैसे ही 5 पर आएगा तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं बचेगा और ये फुल स्पीड में जैसे डायरेक्ट कनेक्शन पर चलता है वैसे चलेगा।
अगर बात करें ज़ीरो की, तो ज़ीरो पे यहाँ पर कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आया और ये पॉइंटर यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ से करंट आगे जा ही नहीं पा रहा है, दैट मीन कि वो यहाँ पर ऑफ हो गया है। तो ये तो था रेगुलेटरी कहानी। अब आइए दोस्तों प्रैक्टिकल के बारे में जानते हैं कि प्रैक्टिकली ये कैसे पॉसिबल है। सर्किट डायग्राम देखकर आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा वायर किससे अटैच करना है। आपके पास यहाँ पर रेगुलेटर से दो वायर निकले हुए थे, तो एक वायर आपको स्विच में अटैच करना है। स्विच में एक वायर पहले से ही अटैच रहेगा, लाइव वायर। तो आपको बस एक रेगुलेटर से वायर स्विच में अटैच करना है, कोई सा भी, और दूसरा वायर आपको फैन, आपके एक वायर फैन से आ रहा होगा, वो आपको फैन से अटैच करना है। वाइए देखते हैं प्रैक्टिकली ऐसा कैसे पॉसिबल है। प्रैक्टिकली अगर बात करें तो ये हमारा रेगुलेटर है और इसके दो वायर हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से रेगुलेटर होता है, और ये हमारा स्विच बोर्ड है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर वायरिंग हुई पड़ी है, लेकिन यहाँ पर अभी मेरा रेगुलेटर नहीं लगा हुआ है, और ये है स्विच जिससे जो फैन है वो अभी ऑपरेट हो रहा है। मैं आपको ऑन करके बताता हूँ। जैसे ही मैंने इसको ऑन करा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो फैन है वो फुल स्पीड में चल रहा है। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद अब मैं इसमें रेगुलेटर यहाँ पर लगाता हूँ, रेगुलेटर लगा कर आपको बताता हूँ। ये रेगुलेटर मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास दो वायर है, आप देख सकते हैं, अब दो वायर है मेरे पास। ये यहाँ पर ये जो वायर है ये सीधा मेरे पास फैन से आ रहा है, ये जो ब्लैक वायर है आप देख रहे हैं ये फैन से आ रहा है, और जो इसके नीचे वायर है वो लाइव वायर है जिसका पूरे सर्किट में कनेक्शन हुआ पड़ा है। तो इस फैन वायर में मुझे यहाँ पर, यहाँ से फैन वायर निकाल कर मुझे यहाँ पर इसको जोड़ देना है एक रेगुलेटर की। जैसे कि मैंने आपको सर्किट के टाइम पर बताया था कि मुझे एक वायर फैन से जोड़ना है, तो मुझे एक वायर यहाँ पर फैन वायर से जोड़ना है, जो मैं यहाँ पर फैन वायर से जोड़ दूंगा। ये वायर मेरे पास सीधा फैन से आ रहा है। आपने जब अगर फैन लगाया होगा तो फैन से आपके पास ये सेम वायर आपको वहाँ पर मिलेगा अटैच करने के लिए। और ये जो दूसरा वायर है वो मैं लगा दूंगा स्विच में। जैसे कि मैंने आपको सर्किट में बताया था कि हमारा दूसरा वायर स्विच में रहेगा, तो मैंने स्विच के साथ लगा दिया है यार। तो ये दूसरा वायर मैंने यहाँ पर स्विच में लगा दिया है, ये मैंने इसको तो स्विच में ये दोनों कनेक्शन हो गए हैं। बस यहाँ पर यही करना था कि एक वायर आपको फैन वायर से कनेक्ट करना था और दूसरा वायर आपको स्विच में लगाना था, और जो लाइव वायर आपके फैन कनेक्शन से आ रहा है वो इसमें पहले से लगा हुआ है, जो लाइव वायर है। तो यहाँ से आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है पूरी, यहाँ पर सर्किट कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको यहाँ से जो फैन है वो ऑपरेट करके बताता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने बटन ऑन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर फैन की स्पीड अभी कम है, और भी आप देख सकते हो फैन की स्पीड कम है, अब ज़्यादा हो गई है, 4 पर है, अभी ऑफ हो गया है। दैट मीन कि यहाँ से जो फैन है वो सीधा रेगुलेट हो रहा है इस रेगुलेटर के द्वारा। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।